सूरज की तरह चमकेगा चेहरा। जी हाँ दोस्तों, ये थंबनेल देख करके कहीं आप थोड़ा सा परेशान तो नहीं हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा मुमकिन है दोस्तों, लेकिन अगर हम एक शर्त रखनी होगी कि हम अगर प्रकृति की गोद में चले जाएं, हम प्रकृति के नज़दीक चले जाएं, हम प्रकृति के अनुसार अपने जो स्किन केयर है उस रूटीन को चेंज कर लें, तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्किन है उस पर इतना ग्लो आएगा कि लोग डेफिनेटली आपसे पूछने लगेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। और कुछ इसी तरह के 6 टिप्स आज मैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपनी स्किन को बाहर से हेल्दी बना सकते हैं, बाहर से ग्लोइंग बना सकते हैं, बल्कि आप अपनी स्किन को इंटरनली भी हेल्दी बना सकते हैं। सो वेट किस बात का है, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं स्किन केयर की या फिर स्किन पे ग्लो लाने की जब भी बात होती है, तो डेफिनेटली हमारे जहन में, हमारे दिमाग में बहुत सारे रेडी टू यूज़ कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स आते हैं। वो डेफिनेटली बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं, और मैं भी अपने इस चैनल पर समय समय पर आपको अच्छे और बेहतरीन जो प्रोडक्ट्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाता रहता हूँ। लेकिन सिर्फ क्या वही ग्लो दे सकते हैं? क्या नेचुरली ग्लो पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करना होगा, क्योंकि जो स्किन है ना वो वही दिखाती है जैसा आप अंदर से या आपका शरीर अंदर से महसूस कर रहा होता है। अगर एक दिन आप रात को अच्छे से नींद ना ले पाए तो अगले दिन आपके चेहरे का मुरझाना एक लाजमी बात है। अगर आप किसी सोच में डूबे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है आपने, तो डेफिनेटली आपके चेहरे पर डलनेस आना, आपके चेहरे का काला दिखना एक आम समस्या है। ये सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि जब आपका शरीर इंटरनली अंदर से जब हेल्दी नहीं होगा तो उसका असर आपके चेहरे पर, आपकी आंखों पर, आपके बालों पर आपको बाहर जरूर दिखाई देता है। सो मेक श्योर इंटरनली हेल्दी अपने आप को जरूर रखें, और इंटरनली हेल्दी रखने के लिए काम करना होता है लाइफस्टाइल पर। जब मैं लाइफस्टाइल की बात करता हूँ तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना है। नंबर 1, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। दोस्तों, डाइट एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके शरीर में अच्छे से जा रही है, मतलब उसमें जो प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, रफेज है, वाटर है, ये जब सही मात्रा में आपके शरीर को मिलेगा तो इनका एक अच्छा असर आपकी स्किन पर आपको दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोग वेट कम करने के लिए क्रैश डाइटिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन लटकने लगती है, उनके चेहरे का ग्लो चला जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप क्रैश डाइटिंग करके अपना वज़न कम कर रहे हो, वो एक वज़न कम करने का सही तरीका नहीं है। सो मेक श्योर आप अपनी डाइट में इन 7 न्यूट्रिशंस को ज़रूर शामिल करें। नंबर 2, आपको अपने रूटीन में एक्सरसाइज जरूर शुमार करनी चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो उसकी वजह से आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो खून के माध्यम से हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक रेगुलेट होती है, पूरे शरीर में सर्कुलेट होती है। सो जब आप अपने शरीर में एक्सरसाइज करके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हो, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, और जिसका असर आपके चेहरे पर आपको ग्लोइंग स्किन के रूप में दिखाई देता है। नंबर 3, आपको अपने स्लीप पैटर्न को बैलेंस करना होगा। दोस्तों, जितना ज़रूरी एक अच्छा खाना खाने की हमें ज़रूरत होती है, जितना ज़रूरी होता है एक्सरसाइज करना, उतना ज़रूरी है हमारे इस शरीर को आराम देना भी। अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे या सिर्फ आप अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखेंगे, बिजी रखेंगे, और आप आराम नहीं देंगे अपने शरीर को, तो इस नींद के समय पर जो ये रिकवरी करता है, जिसको कि हम ऑटोबायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, वो बैलेंस नहीं होगी, और उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत सारे डिसबैलेंसेज होंगे और आपका शरीर ग्लोलेस हो जाएगा, आपकी स्किन ग्लोलेस हो जाएगी। सो प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद, जो कि रात को ही होनी चाहिए,
हाँ जी, प्रकृति ने एक नियम बनाया है, रात का, दोपहर का, सुबह का, शाम का, तो उसका एक मतलब होगा ना। और उसका मतलब यही है कि जब आप रात को नींद लेते हो तो उसकी वजह से आपके शरीर में बहुत इफेक्ट्स आते हैं। तो हम आजकल क्या देख रहे हैं, हम उसका उल्टा देखते हैं। लोग दिन भर सोते हैं, रात को जाग रहे होते हैं, तो कुछ भी करने के बाद आपकी स्किन पर ग्लो ही नहीं आ रहा है। नंबर 4 जो फैक्टर आता है दोस्तों, वो आता है स्ट्रेस। देखिए, आज जब भी मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ कि आपको स्ट्रेस है, तो वो मुझसे एक उल्टा सवाल पूछते हैं कि सर किसे स्ट्रेस नहीं है। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आप अपनी बात कीजिए। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ये सोचने लगे हैं कि सबको स्ट्रेस है, इसका मतलब स्ट्रेस नॉर्मल है। ऐसा नहीं है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आज स्ट्रेस बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में ये पाया गया है कि बहुत सारी बीमारियों का एक कारण है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस को कंट्रोल रखना, और उसके लिए आप मेडिटेशन करके ही इसे प्रॉपरली रेगुलेट कर सकते हो। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप प्राणायाम कर सकते हो, आप मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हो। जो तरीका आपको लगता है आपके शरीर के स्ट्रेस को कम करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए आपके लिए कारगर है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चारों चीजों को बैलेंस करके लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए, और फिर जो मैं टिप्स दे रहा हूं इनको फॉलो कीजिए। तो पहली जो टिप दोस्तों आती है, वो आती है चिरौंजी। चिरौंजी बहुत आराम से हमारे घरों के आसपास किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिल जाती है, और जो चिरौंजी है वो बहुत ज़्यादा कारगर होती है अगर हम इसका पाउडर बना लें, और इसका पाउडर बना करके कच्चे दूध के साथ अपना एक पेस्ट बना लें, और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ें, और 10 से 15 मिनट के बाद अपने चेहरे पर मसाज करें इसी पेस्ट के साथ में, और गुनगुने पानी से, मतलब ल्यूकवॉर्म वाटर से चेहरे को धो लें। तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो स्किन है, वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, क्योंकि चिरौंजी के अंदर बहुत सारे नेचुरल फैटी एसिड्स होते हैं, नेचुरल विटामिन्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है। सो मेक श्योर, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है तो चिरौंजी आप बाकी सभी तरह की स्किन पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप एक दिन छोड़ करके एक दिन इस्तेमाल कीजिए, और 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे अगर मैं टिप की बात करूं, तो आप गुलाब जल और एलोवेरा जेल, इन दोनों को मिला करके भी जब आप पेस्ट बना के अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो इनकी वजह से आपके चेहरे पर जो ग्लो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। एलोवेरा जेल हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा सूदिंग एंड कामिंग जेल होता है, जो कि हमारी स्किन को हील करता है। हमारी स्किन में अगर किसी भी तरह का सनबर्न चल रहा है, या फोटोसिंथेसिस चल रहा है, या फोटो एजिंग चल रही है, तो उसको भी ख़त्म करने में यह हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो मेक श्योर एलोवेरा जेल के साथ में आप रोज़ वाटर ज़रूर मिला के लगाएं, क्योंकि रोज़ वाटर जो होता है वो हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, और जब हमारी स्किन का पीएच बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से हमारी स्किन में जो पोर्स थोड़े से इनलार्ज होकर के नज़र आते हैं, या हमारी स्किन के पोर्स के ऊपर जो हमें बहुत सारे ब्लैकहेड्स एंड व्हाइटहेड्स नज़र आते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। सो लगभग 3 से 4 चम्मच के आसपास आप एलोवेरा जेल ले लीजिए, और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच, मतलब लगभग आधी मात्रा के अंदर आप रोज़ वाटर मिला लीजिए, और इनको मिला करके आप लगाइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। नंबर 3 जो टिप आता है दोस्तों, वो ये कि आपको रेगुलर बेसिस पर अपने चेहरे पर टोनिंग करना चाहिए। टोनिंग जो है, जिसकी वजह से हमारी स्किन का पीएच जो है वो मेंटेन रहता है, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है, जो कि हमारी स्किन केयर रूटीन में होना ही चाहिए। ये बहुत सारे लोगों ने टोनिंग जो है अपनी स्किन के रूटीन से हटा दिया है, जबकि CTM, मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन भी आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब धूप में निकलते हैं तो आपने अगर स्किन को साफ कर लिया, स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा लिया, सनस्क्रीन लगा लिया, लेकिन टोनिंग करके अगर आपने अपनी स्किन के पीएच को बैलेंस नहीं किया, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, उसका पीएच रेगुलरली डिस्टर्ब होता रहेगा, और धीरे धीरे आपकी स्किन में प्री मैच्योर एजिंग आना शुरू हो जाती है। टोनर के लिए अगर आप बात करते हैं, तो आपको ग्रीन कॉफ़ी टोनर इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रीन कॉफ़ी टोनर जो होता है, ये एक नेचुरल ग्रीन कॉफ़ी से बनाया गया टोनर है, जो कि आपकी स्किन पर जो पीएच का डिस्टर्बेंस है उसको तो बैलेंस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये आपकी स्किन के ऊपर जो बहुत सारे फ्लिकीनेस आ जाती है, ओपन पोर्स आ जाते हैं, स्किन में पिंपल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, उनको भी हटाने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन के लिए ग्रीन कॉफ़ी स्किन टोनर को शुमार करना, शामिल करना। इसे परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं।
नंबर नेक्स्ट अगर मैं टिप की बात करूं तो दोस्तों शहद और शहद के साथ मिला करके अगर आप मसूर की दाल लगाएं तो आपके चेहरे में जमा जितनी भी डेड सेल्स होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं और आपका चेहरा एकदम सूरज की तरह चमकने लगता है। आपको एक चम्मच जो लाल मसूर की दाल होती है उसको पीस करके पाउडर बना लेना है और इस पाउडर के अंदर लगभग 1.5 से 2 चम्मच शहद मिला करके आप एक पेस्ट बना लीजिए और इस पेस्ट को चेहरे पर लगा करके आप आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए और आप देखोगे अब आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है, बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस आपको दे रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर आपकी स्किन को जो बैलेंस डिस्टर्ब हो गया था उसको रीबैलेंस करने की ताकत होती है। अब दोस्तों एक्सटर्नल टिप्स को इस्तेमाल करने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ इंटरनल टिप्स की, अंदर से हम कैसे हेल्दी करें। तो पहली जो चीज़ आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो आपकी स्किन को अंदर से फेयरनेस भी देगी, अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, सनबर्न है, मंकी माउथ है या फिर समय से पहले आप बूढ़े हो रहे हैं तो उसको भी ठीक करने में मदद करेगी, उसका नाम है मुलैठी पाउडर। मुलैठी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले कई सारे वीडियोज़ में बता चुका हूँ, एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रूवन हर्ब है जो कि हमारे स्किन के लिए इंटरनली एंटी मेलेनोजेनेसिस का काम करती है, मतलब हमारी स्किन में जो मेलेनिन बनता है उस मेलेनिन के ज़्यादा प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो धीरे धीरे कम मेलेनिन प्रोड्यूस करती है, स्किन लाइटनिंग इफेक्ट हमारी स्किन को मिलने लगता है और हमारी स्किन में फेयरनेस आती है, डार्क सर्कल्स ठीक होते हैं, पिगमेंटेशन ठीक होता है और किसी भी तरह की जो इन्फ्लेमेशन हमारे चेहरे पर चल रही होती है वो भी खत्म होती है। मुलैठी पाउडर को आपको दिन में 2 बार लेना होता है, एक आप इसे सुबह लीजिए 1 चम्मच गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में और दूसरा चम्मच आप रात को सोने से पहले लीजिए 1 ग्लास गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में। तो इस तरीके से जब आप 2 बार ये लोगे तो आपके चेहरे पर कलर से रिलेटेड या मेलानिन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें बहुत आसानी से आप कंट्रोल करके अपने चेहरे पर ग्लो जो है उसे इन्हांस कर सकते हो। दूसरी हर्ब जो दोस्तों आती है वो आती है सिबकथॉर्न बेरी पाउडर। सिबकथॉर्न बेरी पाउडर जो है ये एक नेचुरल हर्ब है जो कि आपकी स्किन के अंदर कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। हम मार्केट से बहुत सारे कॉलेजन बूस्टर्स खरीदते हैं या कॉलेजन को कॉलेजन देने वाले या कॉलेजन बनाने वाले पाउडर्स खरीदते हैं, लेकिन ये एक सिंगल हर्ब आपकी स्किन के अंदर नेचुरली कॉलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। इसे रोज़ रात को सोने से पहले आपको लेना होता है और सिबकथॉर्न बेरी पाउडर हिमालयन या फिर जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उगती है, आप जैसा इमेज में यहाँ पर देख पा रहे हो, और इस बेरी से सुखा करके ये पाउडर बनाया जाता है जिसे रोज रात को सोते समय अगर आप लेकर सोते हैं दूध के साथ या पानी के साथ में तो आपकी स्किन में नेचुरल कॉलेजन और इलास्टिन बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके चेहरे पर जो रिंकल्स आ रहे थे, फाइन लाइंस आ रही थी, ओपन पोर्स आ रही थी, स्किन लटक रही थी, सैगिंग हो रही थी, उस प्रॉब्लम से आप बहुत ईजिली छुटकारा पा सकते हैं। सो मेक श्योर अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करोगे या इनमें से 2 या 3 टिप्स को फॉलो करोगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से तो आपको बेनिफिट्स ज़रूर होंगे। मेक श्योर इस वीडियो के अंदर जितनी टिप्स मैंने आपको बताई हैं उन्हें ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो वीडियो कंटेंट आपके लिए क्रिएट करते हैं वो आपके लिए क्या कुछ काम कर पाता है। आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।